हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं बालों में कॉम कर लूंगी। मेहंदी का पैक हमेशा एक दिन पहले रात को बनाकर रखना चाहिए, और अगर लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो मेहंदी का पैक और भी अच्छा बनेगा और भी अच्छा कलर आएगा। और ये देखिए, ये है मेहंदी। अगर आप चाहें तो मेहंदी को ब्रश या फिर हाथों की मदद से लगा सकते हैं। पहले मैं अपर पार्ट में थोड़ी मेहंदी अप्लाई कर लूँगी, देन थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके बालों का, और उसमें नीचे से ऊपर की ओर मेहंदी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको बालों को थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करना होगा, जैसे कि मैंने किया है। ये देखिए, यहाँ पर मेहंदी को आपको नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि बालों के जड़ों से शुरुआत करनी है और ऊपर की ओर अच्छे से लगाना है। देन हल्का हल्का ट्विस्ट करना है बालों को, और राउंड राउंड करके एक जड़ा बना लेंगे। मैं फ्रेंड्स अलग अलग तरह के पैक बनाकर बालों में अप्लाई करती हूँ, जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, टूटते नहीं है, बालों में एक तरह की चमक जो है वो बनी रहती है। अगर आपके बाल दो मुहे हो जाते हैं, स्कैल्प में चिपचिपाहट बनी रहती है, तो वंस इन अ मंथ मेहंदी लगानी चाहिए। और ये देखिए, जो मेहंदी का जो बेस है वो तैयार हो गया है। जूड़ा बनाने के बाद उसके ऊपर दोबारा से मेहंदी को अप्लाई करेगी, ताकि अच्छे से जो मेहंदी है वो बालों की लेयर में आ जाए। अब इसी तरह दोनों तरफ से थोड़े थोड़े बाल लेगी और अप्लाई करके जूड़े के ऊपर राउंड करते जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अलग अलग टाइप के मेहंदी पैक कैसे बनाती हूँ अपने बालों के लिए, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये देखिए, एक एक लेयर बनती जा रही है। गर्मियों में फ्रेंड्स मेहंदी वंस इन अ मंथ अप्लाई करना चाहिए, एंड अगर विंटर्स है तो आप दो महीने में एक बार अप्लाई कर सकते हैं। मेहंदी बालों को एक तरह का मॉइस्चर करता है, प्रॉपर कंडीशनिंग देने का काम करता है, और अगर आपके बालों में जुए हैं तो ये जुए भी हटाने में मदद करता है। फ्रेंड्स, मेहंदी मिनिमम 3 to 4 hours तक लगा कर रखनी चाहिए। मैं क्या करती हूँ, मेहंदी लगाने के पहले मैं शैम्पू कर लेती हूँ, ताकि मेरे बाल जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। देन मेहंदी अप्लाई करने के बाद मैं प्लेन पानी से मेहंदी को धोती हूँ। देन आई अप्लाई ऑयल, ऑयलिंग करती हूँ। ऑयलिंग करने के बाद मैं एक दिन छोड़ देती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेहंदी के बाद तुरंत आप शैम्पू कर सकते हैं, बट अगर प्रॉपर टाइम है आपके पास, बहुत कुछ जल्दी नहीं है, तो आप हमेशा मेहंदी के बाद ऑयलिंग कीजिए। ऑयलिंग के नेक्स्ट डे आप शैम्पू कीजिए, तो मेहंदी का जो प्रॉपर जो फायदा है वो आपके बालों को मिलेगा, जैसा कि मैं भी ऑलमोस्ट यही करती हूँ। और पीछे के बालों में मेहंदी अप्लाई हो गई है। अब हम आगे की तरफ पे दोनों तरफ से थोड़े थोड़े बाल लेंगे, मेहंदी को अप्लाई करेंगे और जूड़े के ऊपर राउंड करते जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं मेहंदी में क्या क्या चीज़ें मिलाती हूँ उस पर मैं अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। एंड यू नो, मैंने कुछ पैक बनाए थे मेहंदी के साथ, जो कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम को, स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है, उसको अच्छे से ठीक करता है। वो भी वीडियो मैं बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ लोग फ्रेंड्स मेहंदी लगाने के बाद तुरंत शैम्पू कर लेते हैं, दैट इज़ गुड, बट अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, मिनिमम 3 days का टाइम लगता है प्रॉपर मेहंदी में, मेहंदी के बाद ऑयलिंग करनी होती है, देन कोई अच्छा सा जो हर्बल शैम्पू होता है उसके थ्रू हेयर वॉश करना होता है, टोटल 3 days का रहता है ये प्रोसेस, तो बहुत ही अच्छा जो इफ़ेक्ट होता है वो आपके बालों में देखने को मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार इधर से और एक बार उधर से आपको बालों को लेना है। मेहंदी को हमेशा जड़ों से लगाना शुरू कीजिए, और मेहंदी के नीचे, यानी बालों के नीचे के एरिया तक भी आपको अच्छे से मेहंदी को अप्लाई करना है, और नॉर्मली राउंड राउंड करते जाना है। मेहंदी लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। एक बार अगर आपका जो हाथ है वो सेट हो जाए, तो हार्डली आपका आधे घंटे का टाइम लगेगा, और बाल अगर बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो हार्डली 45 to 50 minutes का टाइम लगेगा।
बेसिकली फ्रेंड्स, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ये सब कुछ आनी चाहिए। अभी जो 3 महीने का जो लॉकडाउन पीरियड गया था, इस लॉकडाउन ने काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ सिखा दिया है। पहले लोग हर काम के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे, बट लॉकडाउन ने ये जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं दूर कर दिया है और कहीं ना कहीं लोगों को एक इंडिपेंडेंट रहने की मतलब एक शुरुआत की है, ताकि लोग एक दूसरे पर डिपेंड ना रहे। यू नो फ्रेंड्स, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं, बट स्पेशली जो पार्लर वाला जो काम होता है, जो स्किन केयर, जो हेयर केयर रूटीन होते हैं, उस पर जो गर्ल्स, जो वुमेन्स होती थी, वो ऑलमोस्ट पार्लर पर डिपेंड रहती थी। बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि हमें पार्लर पर डिपेंड ही रहना पड़ेगा। काफ़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो अगर हम लोग अपने डेली रूटीन पर इंक्लूड करें तो हमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर डिपेंड होने से हम अपने आप को रोक सकते हैं। जैसे ये छोटी मोटी चीज़ें होती है, ये मेहंदी लगाना, मेहंदी में क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं, अपनी टैन को रिमूव करने के लिए, अपने स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, हेयर को हेल्दी बनाने के लिए काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग लेते हैं, यूज़ करते हैं। बट अगर हम कहीं ना कहीं अपने घर के किचन में जाए, किचन में जाकर ढूंढें, तो हमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा जिसके थ्रू हम अपना जो स्किन केयर, जो हेयर केयर रूटीन है वो हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं ये चीज़ ठीक कह रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आई एम राइट और रॉन्ग। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी एक बार मेरे चैनल में जाइए, मेरे कंटेंट्स को देखिए। मैं काफ़ी तरह के जो स्किन केयर, जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, और DIY आइडियाज़ पे जो होते हैं वो भी मैं मतलब कई तरह के वीडियोज़ बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, और सभी तरह के जो DIY आइडियाज़ है वो पहले मैं अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, अगर उसका जो रिजल्ट अच्छा आता है तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मेरे आधे बालों में मेहंदी जो है अप्लाई हो गई है। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती है तो चैनल के कॉर्नर में जो बेल का आइकॉन है वो भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मेरे चैनल की जो वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत के तुरंत मिल जाए। आजकल फ्रेंड्स नोटिफिकेशन की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो हम लोग अभी अपलोड करते हैं और हमारे जो व्यूवर्स होते हैं उनको नोटिफिकेशन 3-4 डेज के बाद मिलती है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक एक हफ्ता लग जाता है उनको नोटिफिकेशन मिलने में। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेहंदी जो है वो अप्लाई हो गई है। अप्लाई करने के बाद आपको इनको मिनिमम 3-4 आवर्स तक रखना होता है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1-1.5 घंटा भी आप रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो शैम्पू आप तुरंत कर लीजिए, और अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, ज़्यादा टाइम है, तो मैं यही कहूँगी आप प्लेन पानी से बालों को धो लीजिए, देन आप ऑयलिंग कीजिए। ऑयलिंग करने के एक दिन बाद आप किसी अच्छे से हर्बल शैम्पू के थ्रू बालों को वॉश कीजिए। और प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कई तरह के जो स्किन केयर, जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिव्यू ऑलरेडी मैं अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिएगा। जो ऑनेस्ट और जो जेन्युइन जो रिव्यू होता है वो मैंने शेयर किया है, तो प्लीज़ सभी वीडियोज़ को एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेहंदी अप्लाई करने के बाद अगर स्किन के इधर उधर चेहरे पे कहीं भी मेहंदी लग जाती है तो वो भी आप तुरंत क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि जो मेहंदी होती है वो बहुत डार्क होती है और अपना जो लाल रंग होती है वो चेहरे पे आसानी से छोड़ देती है। तो फ्रेंड्स, मेहंदी भी अप्लाई हो गई है और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।